Hey, Timon! Aqua! Bueno. Jesse, cha-cha. Bueno. Cha-tum. Arewa! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ese que se josa paja. ये टैलेंट तड़का जो है वो चैनल मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो हम लोग पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं। देखो तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा, बचपन से तुम्हें पाला पोसा, जो हम खाते हैं वही खिलाया, यहाँ तक कि तुम्हें डडली का फालतू कमरा भी दे दिया। इतना बड़ा है हमारा दिल, कभी लोगों को मालूम नहीं होता कि ये एक्चुअली असली आवाज है किसकी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफी हिम्मत भी है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और अपनी पहचान बनाने का इरादा। तो इस चैनल की वजह से हम लोग भी सामने आ गए। यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, पर मेरा शरीर मुझे वापस नहीं देता। एक चीज उसे वापस ला सकती है, और वो चीज इस वक्त तुम्हारी जेब में है। और लोगों को पता चल गया कि ये डबिंग नाम की कोई एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें भी करियर हो सकता है। जाओगे कैसे? मेरे बच्चे मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ताजा गोश्त अपने आप यहाँ आए तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। और ये कला तो हर एक के पास हो सकती है। मेरी बात सुनिए, तुम पिशाच मखलूम के भल्ले में नहीं घूमते फिरते कि आप उन्हें देख सके हैं। ऐसी बात बताइए जिस पर हमें यकीन हो। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ये वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। उदय सबनिस जी एक ऐसे कलाकार जिनको हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हैरी पॉटर के उन 5 किरदारों के अलावा लिटरली इन्होंने हजारों कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी हुई है, क्योंकि ये एक्टर होने के साथ साथ वॉइसिंग में इन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मतलब ये उस समय से डबिंग कर रहे हैं दोस्तों जब से शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे। अभी जो रिसेंटली लायन किंग मूवी आई थी उसमें पुम्बा की आवाज मिस्टर संजय मिश्रा जी ने दी थी, बट उसके पहले लायन किंग की एनिमेटेड वर्जन में पुम्बा को सर ने ही अपनी आवाज दी थी। हे टिमोन, ये तो बस एक छोटा सा शेर है, जरा देख इसे कितना प्याला है और अकेला भी, हम इसे रख ले। बात करें उसी पुराने दौर की तो उस समय पावरपफ गर्ल्स में मोजो जोजो और फ्लिंटस्टोन्स में फ्रेट की आवाज उदय जी ने ही दी थी। माफ कीजिएगा श्रीमान, लेकिन क्या आप मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ मुझे कुछ अंडे मिल जाए, क्योंकि मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ जिससे वो मेरे साथ घर जा सके और मैं उन्हें खा सकूँ आज और शायद कल भी। काम तो है पर वो मतलब कि मेरा काम हो गया और मैंने सोचा कि तुम लोग शायद यहाँ आए होंगे। यहाँ आ गया। जिस एनिमेशन सीरीज से सर की प्रोफेशनली शुरुआत हुई थी हम उसे कैसे भूल सकते हैं, द जंगल बुक। सुबह से देख रहा हूँ, जब तुम नदी के किनारे आए थे मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, अपनी धुन में चलते ही गए। कुंफू पांडा की सीरीज आप सभी ने देखी ही होगी, इसके 3rd पार्ट के विलन जनरल काई को सर ने ही आवाज दी थी। कुछ नहीं हुआ, उगवे ने तुम्हें ये तुच्छा बैतरा सिखाया था ना? ना समझ, मैं जिंदा लोगों पर काम करता हूँ और मैं अमर हूँ रूह का योद्धा। एंग्री बर्ड्स के 2nd पार्ट में लियोनार्ड द पिग को किक्कू शारदा ने डब किया था, सबको पता है, लेकिन 1st पार्ट में सेम कैरेक्टर को उदय जी ने अपनी आवाज दी थी। ओ, उसका बदले में हम तुमको गिफ्ट बास्केट देता है। प्लीज प्लीज डरने का नहीं, हम आप सबको अपना दोस्त बनाने को मांगता है, ड्रॉ फ्रेंडशिप चालू करो। द लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को बहुत सी फिल्मों में हिंदी डब के लिए उदय जी को ही बुलाया जाता है। तो ये रही डील, अपनी सारी शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी, जैसी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ 2 ही रूल्स हैं, तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम गॉड हो और तुम बताना भी नहीं चाहोगे और तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे। एनिमेशन फिल्म्स में कोई भी भारी भरकम सा अगर किरदार है तो ज्यादातर आपने इनकी ही आवाज सुनी होगी,
जैसे हाँ, ये हुई ना बात मेरी रानी, चलो शुरू करो। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पहाड़ों में घूमना चाहती हूँ, खुली हवा में बालों को लहराना चाहती हूँ और ढलती हुई छांव में तीर चलाना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, तुम छोटे और बड़े कमजोर हो, वो तुम्हें निशाना नहीं बनाएंगे, बीमार या पागल मान के छोड़ देंगे और तगड़े वाइकिंग जवानों का पीछा करेंगे। अरे वाह, और नौकर आ गए, तुम दोनों जाओ अपुन के लिए और खाने की चीजें लाओ, और तुम अपुन के पंजों को मसाज करना शुरू करो, ताली बजाते बजाते हाथ दुखने लगे हैं। एक बहुत ही फेमस फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कैप्टन जैक स्पैरो के करीबी मिस्टर गिब्स को पूरे सीरीज में उदय सर ने ही अपनी आवाज दी थी। जब लुटेरे को जहाज से निकाला जाता है तो उसे एक एक बंदूक और एक गोली दी जाती है, सिर्फ एक गोली। एक गोली से आप शिकार कर सकते हो या खुद की हिफाजत, पर अगर 3 महीने आपको खाना पीना नहीं मिलता है तो वही बंदूक और वही गोली खुदकुशी करने के काम आती है। आयरन मैन 3 जो आयरन मैन फिल्म सीरीज की आखिरी फिल्म थी, उसमें लेजेंडरी एक्टर बेन किंग्सले को सर की ही आवाज थी। ये उसके टीम की सोच थी, चालाकी और धोखाधड़ी से एक खतरनाक कातिल को जन्म दिया। एक और सबक के लिए तैयार हो, फुल टू पकावगिरी। डबिंग से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी talent_tadka पर, मैं वहां पर हर संडे लाइव भी आता हूँ। मेरी बहुत शुभेच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं टैलेंट तड़का के साथ, और ऐसा ही तड़का लगाते रहिए, और हाँ, इस टैलेंट तड़का को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।